नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो जिस प्रश्न की हम बात करेंगे उसको पहले देख लेते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है? प्रश्न है कि यदि कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में 2600 हो जाती है तो राशि क्या है। अब उसने यहाँ पर हमें प्रिंसिपल नहीं दिया है, प्रिंसिपल हमसे पूछ लिया है, जबकि आर दिया है 5%, टाइम दिया है 6 वर्ष और मिश्रधन दे दिया है, जिसको हम ए बोलते हैं, मिश्रधन हमको दे दिया है 2600। ठीक है, ये चीजें हमको दी हैं। तो अब हम कैसे निकालेंगे? हमें पता है कि अमाउंट किसको कहते हैं? प्रिंसिपल और साधारण ब्याज के योग को हम अमाउंट कहते हैं। SI का हमारे पास फॉर्मूला है, क्या होता है? PRT अपॉन 100। तो अमाउंट बराबर P को ले लेंगे कॉमन, 1 प्लस RT बटे 100। ठीक है, वैल्यू रख देंगे। अमाउंट की वैल्यू कितनी है? 2600। पी जीव का तो रहेगा, एक जीव का तो रहेगा। रेट कितना है? 5%। और टाइम कितना है? 6/100। तो 6×5=30 हो जाएगा। 100 और 30 कितना हो जाएगा? 130। तो 2600 बराबर पी गुणा 130 / 100। हमें P की वैल्यू फाइंड करना है, तो P बराबर क्या निकल के आएगा? यहां से आप देखिए, P लिखा है, 100 ऊपर जाएगा और 130 नीचे आ जाएगा। तो P बराबर क्या हो जाएगा? 2600 गुणा 100 / 130। काट देंगे, 0 से 0 कटेगा, 13 × 26 20 आ गया। 20 गुणा 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2000। ठीक है, तो हमारा मूलधन कितना निकल के आया? हमारा मूलधन निकल के आया 2000 रुपए। ठीक है, तो इस सवाल को हमने इस प्रकार से सॉल्व किया। इसको एक मेथड से और सॉल्व कर सकते हैं। तो वो मेथड क्या है? हम मान लेते हैं कि जो हमारा पी है वो कितना है? 100 रुपया है। ठीक है, ये हमने मान के चला है कि जो हमारा मूलधन है वह है 100 रुपया है। अब रेट क्या है? 5%, यानी एक साल में 5 रुपए ब्याज मिलेगा, तो 6 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 30 रुपए। 30 रुपए हमारा क्या निकल के आएगा? इस सिंपल इंटरेस्ट निकल के आएगा। तो अमाउंट क्या बन जाएगा? 130 रुपए। ठीक है, अमाउंट कितना हो जाएगा? 130 रुपए। प्रश्न ने हमें अमाउंट कितना दिया है? 2600 रुपए। तो जो दिया जाता है उसी का भाग लगाया जाता है। तो हमें अमाउंट दिया गया है, अमाउंट का भाग लगा देंगे, और जो पूछा जाता है उसका गुणा किया जाता है। पूछा क्या गया? मूलधन। मूलधन क्या माना था? 100 रुपए। काट देंगे, 0 से 0, 13 से काटेंगे, 13 × 26 20 आ गया, ये 2000 रुपए यहां से आंसर निकल के आ गया। ठीक है, तो इस शॉर्ट मेथड से भी आप लगा सकते हैं, और जो हमारी ये बेस मेथड है उसको भी आप लगा सकते हैं। जो भी आपको सिंपल लगे, जो भी लगाने में अच्छी हो, तो आप दोनों मेथड को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।